आज मैंने जय महाकाल आज एक म्यूज़िक लॉन्च हुआ है और बहुत ही मेरा डियरेस्ट उसको मैं कहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी साल से जानती हूँ अश्मित को और अश्मित की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। अश्मित वहाँ पे वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, उसने बहुत अच्छा डांस किया है एंड उसके साथ ये साहिल न्यू अपकमिंग हीरो सो उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बहुत प्यारा गाना, मतलब आदर्श ने इतना अच्छा गाना गाया है कि वो गाना सुनने के बाद हर जगह जब भी शंकर भगवान की याद आएगी तो ये गाना गुनगुनाया जाएगा और इतना प्यारा सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और आज इसका लॉन्चिंग हुआ है तो मैं कहूँगी कि तमन्ना मैम को भी यही कहूँगी कि आगे और बहुत सारे गाने आप निकालिए और गाने नहीं, आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाइए ताकि अपग्रेड और ऊपर लेवल तक हम काम साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आप में ग्रेस है, आप लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही हो और आप में वो टैलेंट है तो आपको करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस मैम, जिस तरीके से अभी हम बात करें तो बॉलीवुड के गाने में हिप हॉप हो या रैप सॉन्ग हो, इन सारे चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इस तरीके से भक्ति सॉन्ग पे आज यंगस्टर जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़, मतलब अभी जिस तरह से जो दौर चला हुआ है वहाँ पे सब मतलब डांस फॉर्म चेंज हो चुका है, अभी डांस नहीं एरोबेटिक ज़्यादा होता है, मतलब जितना आप अपने बॉडी को तोड़ जाओ, मोड़ जाओ, उल्टे हो जाओ, उसको डांस कहते हैं। पर वो जो डांस था, जो पहले ही ज़माने में हम डांस को डांस कहते थे, क्लासिकल जिसको बेस क्लासिकल होता है, कथक हो, भरतनाट्यम हो, जिसको लेकर आगे आगे फॉर्म, सब फॉर्म अच्छे हैं, लेकिन उसमें ये फॉर्म जो है, जो भक्ति सॉन्ग पर अगर यंग जनरेशन परफॉर्म कर रहे तो इससे अच्छा और क्या होना चाहिए। ये एक संस्कार है और ये हमारी मिट्टी है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये बेसिक है और यही होना चाहिए। मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत मज़ा आई और मुझे जो भी इतने लोगों ने जो सपोर्ट किया और जो लोगों को अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना करके। ये शूट मुझे याद है कि हम लोगों ने 20 घंटे के अंदर पूरा शूट किया था और जो स्पीड थी और जो प्रोडक्शन टीम थी वो बहुत कमाल की थी। और तुमने कैटवॉक के साथ काटविल कैसे मारा? मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट करता हूँ तो उसके लिए आई लर्न काटविल। सो अश्मिक दा तो आई नो हिम फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, इट्स बिन अराउंड a year and it was amazing working with him as well as my production head which was Nikhil. He was also great with it and obviously production team was always helpful with it. Thanks. Yes, yes. Yes, namaskar. Mera naam Ashmik Anand Gamte hai. Ye project mein maine choreography kiya hai aur maine is project mein lead kiya hai, Sahil ke sath perform kiya hai. और बहुत मज़ा आया ये एक सॉन्ग करते, क्योंकि आदर्श शिंदे जैसा बड़ा नाम, उसमें बड़ा सिंग, उसके बाद तेजस ने बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है उसका, और ये सब मिलावट हमको एक साँचे में डालना था और वो हमने किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल दीपालिता ही मेरे लिए आई यहाँ पे तो उसके सामने बात करना मेरे लिए बहुत बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन थैंक यू सो मच कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है। और आप अश्मी के बारे में एक बात बोलूंगी, क्योंकि अश्मी इज अ वेरी गुड लावणी डांसर, मतलब आप उसको जब लावणी करते हो देखोगे ना तो लड़कियां भी शर्मा जाती है, यार काश हमें भी करना आना चाहिए था ऐसा, मैं कुछ ऐसा कुछ कर जाओ अश्मी जो कर रहा है ना, पर वो चीज़ पहले से देखते आए अश्मिक की वो चाहत नज़र आई है इस गाने में और उसका वो जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। अश्मिक ऑल द बेस्ट एंड आई नो अब तो आगे आगे बढ़ना ही है, उसको पीछे मुड़के देखना नहीं है ना। यस इट्स डेफिनेटली इंट्रोडक्शन एंड कैसा। हेलो, मेरा नाम तेजस सवान है, मैंने इस गाने का कंपोजिंग किया है एंड लिरिक्स मैंने लिखे और ये गाना करने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज इतने बड़े स्केल पे हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया है और इस ज़माने में जो कि प्रोग्रामिंग का ज़माना है जब सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होती है, इस ज़माने में हमने टोटल लाइव परकशंस रिकॉर्ड किए, लाइव रिदम रिकॉर्ड किए, उसके साथ बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोगों का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आदर्श शिंदे सर ने ये गाना गाया है, अवधूत वाडकर जी ने यह गाना मिक्सिंग मास्टरिंग किया है, सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
एंड त्रिशूलिन सिनेविजन का, तमन्ना मैम का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ बिकॉज इन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया और इतने बड़े स्केल पे महादेव जी का गाना करने का मुझे मौका मिला. सो थैंक यू सो मच. चलिए मैं सिर्फ एक ही इतना कहना चाहूँगी कि मैंने ये त्रिशूलिन सिनेविजन का जो नाम रखा तो शंकर भगवान की इस पे से नाम रखा हुआ है, उनके त्रिशूल से. तो इसीलिए इसमें फर्स्ट गाना मैंने सोचा कि शंकर भगवान का हो और उसकी प्रेरणा मिली उज्जैन के महाकाल से, और इसीलिए ये गाना महाकाल को डेडिकेटेड मैंने ये सॉन्ग किया हुआ है. अब ये मेरे प्रोडक्शन का फर्स्ट शुरुआत है. आई होप कि अभी ये शुरुआत मुझे आगे तक लेके जाए. एंड सबको आपको सबको मतलब आप ये गाना सब लोग सुनिए और उसके व्यूज़ दीजिए त्रिशूलिन सिनेविजन्स के चैनल पे एंड यूट्यूब पे वगैरह सब जगह पे आपको ये गाना सुनाई देगा. सावन एंड जितने इंडियन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स है उस पर ऑडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है. तो वॉच, एन्जॉय एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट. गिव अस रिव्यू. या लीडिंग कास्ट साहिल तन्ना इज लाइक हिज वेरी यंग एक्ट्रेस एंड इज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड द कोरियोग्राफर अश्मिक कामटे, ही हैज़ कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग वेरी वेल. यू कैन सी हिज डांसिंग परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. एंड दिस वॉज लाइक वी हैव डन इट इन जस्ट वन सिंगल डे. And in one day, whatever they have done, it is like hats off to them. मैम जरा अलग हटके है जिस तरीके से भक्ति सॉन्ग का ट्रेंड फिर से यंगस्टर लेकर आ रहे हैं. ये एक्चुअली सॉन्ग ऐसा बनाया है कि ये सुनने वाला हर कोई मतलब आज की जनरेशन में सब कोई सुन सकता है इसको. एक बार सुने और कोई बोर हो जाए इस तरह से नहीं है. तो जो भी सुनेगा उसके मुँह पर ये डम डम बाजी डंका तेरा ये तो आना ही है आना ही है. तो उसके हिसाब से ही गाना बनाया हुआ है कि ये घड़ी घड़ी सुन सके और आज के यंग जनरेशन को भी अच्छा लगे. और ये कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार सुनो और फिर उनको ऐसा लगे कि बोरिंग है या फिर बस हो गया एक बार सुनो बंद कर दो. बच्चे भी सुनेंगे एंजॉय करेंगे. मैम ज़्यादातर यंगस्टर दिख रहे हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो एक साथ में सबको प्लेटफॉर्म पर लाना कैसा रहा आपका? एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाना मीन्स एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना मतलब इनका तो बाकी जो कोरियोग्राफर और बाकी जो डांसर्स टीम है इनका तो रोज़ का काम है. दे ऑलरेडी वर्क इन सीरियल्स इन पिक्चर्स में डांसर्स एज बैक डांसर्स सब लोग काम करते ही है. बाकी इस मेरे इस गाने में सबसे मेरा सपोर्टिव रोल था मेरे प्रोडक्शन हेड का, जिसका नाम है निखिल दलवी. निखिल आई वुड लाइक टू कम इन्वाइट टू कम हियर प्लीज शो योर फेस लेट देम सी. इनके वजह से मुझे वो गाना एक दिन में पॉसिबल हुआ. जस्ट इन टू डेज हमने सारी तैयारी की और शूटिंग उसका एक दिन में पूरा किया है और इसका सारा श्रेय मैं दूंगी निखिल को. निखिल कैसे एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है ये क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है ये. सो वी आर वेरी वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दिस प्रोजेक्ट और वो भी शिव जी के ऊपर एक इतना अच्छा गाना, इतना बेहतरीन गाना जो एक डांस नंबर भी है. एंड स्टार्टिंग विद तेजस हैज डन अ वेरी फैंटास्टिक जॉब. म्यूज़िक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ. देन अश्मिक केम इन एज अ कोरियोग्राफर एज अ एक्टर. ही परफॉर्म्ड वेरी वेल. 20-25 डांसर्स को एक साथ लेके उसने बहुत अच्छा काम किया. ट्रेनिंग साहिल एज वेल एज अ स्टारिंग आर्टिस्ट. साहिल इज़ देयर इन द एल्बम. सो साहिल को ट्रेन करना और साहिल ने उतना जल्दी पिकअप किया बीइंग अ डेब्यूटेंट. उसका पहला ये प्रोजेक्ट है तो उसने बहुत अच्छी तरीके से ये पिकअप किया, बहुत ही स्मूथली पिकअप किया. सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था. एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन टीम बट जो भी सपोर्ट रहा है वो इनकी वजह से रहा है. इन्होंने एक फ्रीडम दिया है, एक यू नो एक एज अ फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं, एज अ टीम मेम्बर्स की तरह काम करते हैं. कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं होता. बीइंग अ फैमिली वी एन्जॉयड द शूट, वी एन्जॉयड दिस प्रोजेक्ट और महाकाल के आशीर्वाद से बस ये गाना सभी के लिए अभी रेडी है. जब स्टेज पे उतरे थे सारे लोग, जब प्रैक्टिस चल रहा होगा या शूट हो रहा होगा, जब हम ऐसे सारे गाने सुनते तो अंदर से एक ऊर्जा हम कहते हैं अपने आप पैदा होती है. तो ऐसी चीज़ें कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया उस समय? ज़रूर. ये हम मुझे याद है 31st को हमने शूट किया था और एक दिन पहले हम लोग ने रिहर्सल्स
शुरू किए थे लोकेशंस पे और लोकेशन के बाहर भी टेक्निकल रहे थे, तो तभी जब भी गाना प्ले होता था तो एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती, एक गूजबम्स हमेशा रहते थे कि ये कैसा दिखेगा स्क्रीन पर, कैसा रहेगा, कैसे होगा कल, तो बहुत ही मज़ा आता था। मतलब डांसर्स तो रिहर्सल कर रहे हैं बट पीठ पीछे एवरी वन वन, हमारा डी ओ पी भी डांस कर रहा है, हमारा मेकअप आर्टिस्ट भी डांस कर रहा था, हम भी डांस कर रहे, सब एंजॉय कर रहे थे। गाना ऐसा ही है कि हर कोई उस पर डांस करेगा, और मैंने तो एंड टाइम पे उसमें मैंने एंट्री मारी कि नहीं इसमें मैं भी डांस करूंगी, बाजू में खड़े होकर डांस कर रही थी तो इन्होंने कहा कि नहीं आप भी आ जाओ फिर। तो गाना ऐसा है कि उस पर पैर थिरकते ही है और डांस करने का मन होता ही है। वन मोर थिंग टू मेंशन, फिरोज इज नॉट योर, फिरोज इज आवर डीओपी, फिरोज इज कमिंग, एंड फिरोज के साथ सतीश कोंडे जिन्होंने डायरेक्ट किया था, बट सतीश सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आज नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया इस प्रोजेक्ट में हमें। सो फिरोज इज विल बी देयर इन सम टाइम, बट सतीश सर इज नॉट हियर राइट नाउ विद अस, वो कहीं और जगह पे थोड़े से बिजी थे। तो ये दोनों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है इस गाने को एक सक्सेसफुल बनाने में। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से बस इतना ही कहूँगा कि जय महाकाल रे कहिए, गाना ऑन कीजिए और बस झूम उठिए, दैट्स इट। बिकॉज गाना जितने भी शिव भक्त है उनके लिए हमने बनाया है, सभी लोगों के लिए बनाया है। एंड शिवरात्रि अभी आई गेस हाल ही में आने वाली है, डेढ़ दो महीने में, तो एवरी टेम्पल, एवरीवेयर, एवरी पंडाल, आई विश कि ये सॉन्ग हमारा जो है वो प्ले हो और सब लोग इस पे डांस करें। थैंक यू, थैंक यू मैम। थोड़ा सा इसे रुकना, थोड़ा फुटेज बहुत। साहिल का पहला स्टेप है और जय महाकाल के लिए जो ये उसने काम किया है उसके लिए मैंने उसको काफ़ी उसको प्रेरित किया था कि भाई ये काम के लिए तू आगे बढ़ो, और भगवान से भी उसकी अभी तो सहायता करेंगे, और दिख रहा है कि अभी से कि आज स्टार्टिंग में ही उसको जो कामयाबी मिल रही है उसके हिसाब से वो काफ़ी आगे बढ़े, उसको वही विश है। ऑल दी बेस्ट। मेरे डैड हमेशा से मेरे सपोर्ट करने लगे, हर मेरे घड़ी पे जब भी मेरे प्रॉब्लम हुई है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और इस सॉन्ग के टाइम पे भी उनके वो नहीं होते तो मैं कर नहीं पाता ये सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ हर चीज़ में। सो आई लव माई डैड एंड थैंक यू टू हिम। सर डिफरेंट तरीके के सॉन्ग देखने को मिला है, भक्ति सॉन्ग में इस तरीके की चीज़ें हुई है, क्या कहेंगे? आज का युग में आप लोगों को ये जो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि भाई इसमें जैसे महाकाल के लिए जो आज वो सॉन्ग डेडिकेट किया है, तो उसमें आज जो अपन भगवान की भक्ति और साथ में आज की नई शक्ति के साथ में अपन उसको रिमिक्स करके लेके आए, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों का भी, आप लोग भी व्यू देखिए तो कैसा है, आपको भी लगेगा, फील होगा अंदर से ही, आपको ऐसा भाव लगेगा कि भाई ये कुछ गाने में नयापन है और भगवान की भक्ति भी है, और साथ में जो भक्ति है तो शक्ति आएगी और इसको आगे बढ़ेगा ही, जैसा है साहिल कवि, जय श्री साहिल, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
रेडी सर, कैसे एक्सपीरियंस रहा है, क्या लोकेशन रहा, किस तरीके से आप लोगों ने पूरा ये जो है शूट किया है, क्या कहेंगे? लोकेशन जो था एंगल और वहाँ पर उस समय में काफ़ी भीड़ थी, हमने पुलिस अरेंज किया था जो हमारे व्यवस्था करते थे कि ज़्यादा क्राउड हमारे आसपास ना आए, और धूप बहुत तेज़ थी जिसके कारण काफ़ी परेशानियों से हमको गुजरना पड़ा था। शूट काफ़ी बीच बीच में रुकता था अक्सर धूप और हवा तेज़ चलने के कारण, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बाकी आर्टिस्ट सब बहुत अच्छे थे, मेन तो टेक्स का ही प्रॉब्लम होता है, आर्टिस्ट काफ़ी अच्छे थे, सब प्रैक्टिस किए हुए थे, तो हमने बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से शूट किया। कितने दिनों में ये शूट पूरा हुआ और किस तरीके की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है इन दिनों में? वन डे शूट था एक्चुअली में सबका, एक्चुअली प्रैक्टिस जो था आर्टिस्ट लोगों का वन वीक से चल रहा था, सो दे आर वेल परफॉर्म्ड। हमको वहाँ पर ज़्यादा परेशानियों का ऐसा दिक्कत नहीं करना पड़ा था, और जितने भी आर्टिस्ट थे वो कैमरा फेसिंग काफ़ी अच्छे से जानते थे, जो भी नॉलेज होता है कैमरे का और चीज़ों का, लाइट्स, कैमराज एंड ऑल, सो उसके कारण हमको ऐसा कभी कुछ परेशानी नहीं हुआ, जस्ट लाइक दे आर रियली कैमरा फ्रेंडली। मेरा नाम फिरोज कुरैशी है, आई एम DOP ऑफ द प्रोजेक्ट, यह है जुबैद मुल्ला, एसोसिएट DOP ऑफ द प्रोजेक्ट। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूट के दौरान? मेरा भी एक्सपीरियंस इनके जैसा ही था, इनके साथ ही मैं करता था सब कुछ काम, जैसे वर्क करते थे वो, जैसे मुझे इंटीमेशन देते थे मैं सब कुछ काम करता था। और जैसे 24 आवर्स में हम जो शूट किया है बहुत अच्छे से शूट किया है, बहुत लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, आर्टिस्ट लोगों का भी बहुत अच्छे से काम था, और अपने कोरियोग्राफर सर जो थे, डायरेक्टर सर थे, उनका भी वर्किंग बहुत अच्छा था। साहिल जयेश तन्ना जो है वो न्यू कमर है, अच्छा इस तरीके का उनका जो था पूरा ये देखने मिला आपको रोल, जिस तरीके से उन्होंने डांस भी किया, सारी चीज़ें हुई, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस उनके साथ था? उनका तो बहुत बढ़िया था, मेरे हिसाब से वो न्यू कमर का रोल नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे एक्सपीरियंस लग रहे थे मुझे तो बहुत अच्छे से, हमको जैसे सपोर्ट कर रहे थे, और उनको सब कैमरा एंगल्स, कैमरा लुक, फेस लुक सब पहले से पता था, ऐसा लग रहा था पहले से बहुत सारा स्टडी करके नॉलेज लेके आए, हमको बहुत अच्छे सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम जुबैद मुल्ला। ओके been here and would like to be here or could not have been here, I just want to say that this is one of my dreams come true, and you being there just means a lot. So I just want to say that when all my dreams come true at the end, I want you all to be there by my side, and we meet again. Thank you so much. Thank you so much for giving this wonderful and big opportunity. At this time of my time, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम स्पेशली थैंक यू टू त्रिशूल इंस्टीट्यूशन, तमन्ना मैम एंड ऑल ऑफ यू। प्लीज़ ये गाना सुनिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और स्पेशली ये गाने ईयरफोन्स लगा के सुनिए, तो आपको ये गाना एक्चुअली में कैसे बज रहा है वो समझ में आएगा, एंड मैं यही सबसे दुआ करता हूँ कि यह गाना आपको पसंद है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आणि तुम्ही सगळे त्रिशूल सिनेविजनच्या प्रोजेक्टसाठी इथे आलात आवर्जून, आमच्या विनंतीला मान ठेवून त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून आभार, आणि एवढं छान प्रोजेक्ट हाताळायला मिळालं त्याचं मी खरंच भाग्य मानेन, आणि त्रिशूल सिनेविजनतर्फे आम्ही अजून बरेच प्रोजेक्ट पुढे घेऊन येऊ, ही सुरुवात आहे, पहिलं पुष्प आहे,
हे तुमच्याकडे मी सादर केलंय. सो कसं वाटतं याचं नक्कीच तुम्ही आम्हाला लाईक्स कमेंट करून त्याचा अभिप्राय कळवाच. बट पुढेही खूप छान छान प्रोजेक्ट्स तुम्हाला आणखी आम्ही सगळे थ्रू येऊच. सो खूप थँक्यू सो मच. आणि इथे मला इन्व्हाईट केलं आणि माझ्यामुळे तुम्ही सगळे इथे इन्व्हाईट झालात त्याबद्दल मी त्रिशूल सिनेमाचे खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. आणि आलेल्या सगळ्याच मित्रमैत्रिणींचे आणि सगळ्याच गेस्टचे देखील मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. सबसे पहले जितने भी गेस्ट यहाँ पे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर्स, माय डैड इज हियर, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते मैंने ये करियर में शुरुआत की है. तो मेरे लिए कम पर उनके लिए ज्यादा तालियां बजा देती. थैंक यू सो मच. सेकेंड आई वॉन्ट टू थैंक त्रिशूल सिनेविजन तमन्ना, बिकॉज एवरी टाइम शी हैज सपोर्टेड मी, ब्लाइंडली ट्रस्टेड मी इन दिस प्रोजेक्ट कि वो जो बोल रहा है वो सही है और वैसा ही करेंगे, ये विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया. और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी इसी तरह आपके साथ काम करूं. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर ट्रस्टिंग मी. सेकेंडली अश्मिक, अश्मिक हैव डन अ ग्रेट जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम तेजस एज वेल, बहुत ही कमाल का म्यूजिक एंड कंपोजिशन. साहिल बींग डेब्यूटेंट, बहुत ही अच्छा पिकअप उसने किया, सो थैंक्स फॉर साहिल. आई रिमेम्बर हर्षल उनके बिना ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, तो सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. Credit goes to my team. Because of their hard work, I could come out with this song. This lovely song is created by me. So people, watch the song and give us the review. Hope you like. That's it. Thank you so much for watching us. सगळ्यांना नमस्कार. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल मी खरंच सगळ्यांचे आभार मानते, खास करून आश्मिकचे आणि तमन्नाजी. तुम्ही एक खूप सुंदर प्रोडक्ट दिलेला आहे आणि इतकं छान आहे आणि तुमच्या मुलांनी फार सुंदर काम केलेलं. जी कोरिओग्राफी आहे, गाणं आहे, खूप कॅची आहे, खूप छान केलंय आणि रिदम पकडायला लावत होते पहिली गोष्ट. आणि मला जास्त आवडेल की अश्मिकने स्टेजवर कधी प्रेझेंट करेल तो त्याची वाट बघते मी, कारण ते लाईव्ह पाहणं ते फार वेगळं असेल. आणि इतक्या सुंदर ह्याने तुम्ही आज हे गाणं दिलेलं आहे, म्हणजे खास करून गणपतीची गाणी फार आली पण शंकरावरचं गाणं जे तुम्ही केलेलं आहे ते अगदीच, म्हणजे आम्ही पहिले जे आम्ही पूजन करतो रंगमंचावर ते आम्ही शंकराची करतो, नटराजाची करतो, तर त्याच्यासाठी आम्हाला एक ओपनिंग सॉन्ग आणि हक्काचं गाणं मिळालेलं आहे खर तर. आणि हे खूप छान झालंय आणि खूप छान तुम्ही अरेंजमेंट केली याची आणि मलाही या गोष्टीचा एक भाग घ्यायला आवडेल नक्कीच. आणि पुन्हा एकदा मी खरंच आभार मानते, तुम्ही इतक्या छान
आनंदाने आणि मनापासून बोललेलं त्याबद्दल खरंच आभार मानते. पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि पोस्टर फार सुंदर आहे, खूप छान केलेलं आहे, फार सुंदर केलेलं आहे. तुमची मेहनत सगळी दिसून येते आणि ती कधीच वाया जाणार नाही. तुम्ही सगळं मनापासून काम केलेलं आहे हे सगळं दिसतंय आम्हाला. आणि तुम्ही सगळे खूप लहान आहात त्यामुळे जास्त तुमच्यात खूप ताकद आहे आणि खूप ऊर्जा आहे, ती आमच्यापर्यंत पोहोचतीये आणि पोहोचणार आणखी लोकांसोबत. कारण आम्हाला अशाच नवीन कलाकारांची वाट बघत असतो आम्ही की तुमच्याकडनं फार सुंदर क्रिएटिव्हिटी येते एक तर खरं सांगायचं तर, आणि तीच आम्हाला हवी असते आणि ती आम्हाला मिळाली आहे आणि ती पोच पावती आता लोकांपर्यंत नक्कीच पोहोचेल, तुमची मेहनत पोहोचेल. आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को नमस्कार. और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इस म्यूजिक एल्बम का मैं एक पार्ट बना. मैं हम लोग कॉमेडियन हैं, हम लोग क्या सीरियस बात करेंगे कभी. मैं शादी हो गई उसी दिन सीरियस था बाकी तो, और उस सीरियस का नतीजा यहाँ पर है. निखिल दलवी मेरा बेटा है और मैं बहुत पहले, क्योंकि कलाकार की जिंदगी कोई सिक्योरिटी नहीं है आगे के लिए, तो मैं निखिल को बहुत डांटता था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, नहीं अभी बैंक का जॉब कर, ये कर. मैंने बहुत सहा, मैं ये किया वो किया, पूरी दुनिया घूमा, लेकिन नहीं तू जॉब कर. उसने फिर एक एल्बम शूट हुआ उसका, ये लाइन में आना चाहता था, आते गया बढ़ते गया. फिर मैंने, आज मेरे को एहसास हो रहा है कि मैंने उसको छूट देकर कोई गलती नहीं की. आज वो एक प्रोडक्शन संभाल रहा है, एक बाप के लिए इससे बढ़िया बड़ी बात है. और दूसरी बात, तमन्ना ने उसको ये चांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम उनके फैमिली का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. और रहा इस एल्बम का सवाल, जब ये गाना, क्योंकि मेरे घर में ये गाना दिन में 10 बार गुनगुनाते थे इन लोग. आदर्श का फोन आया तो ये बच्चा आता था जिसने गाना म्यूजिक किया, फिर वो लिखते थे, ये सब हुआ. धुन बहुत अच्छी बनी. मैं रिंगटोन जब भी सुनता हूँ, ये गाने का रिंगटोन निकल के मोबाइल पे, अभी बेटे को 10 बार फोन करो तो वही रिंगटोन आती है सामने, तो वो इतना कैची लगता है. जॉनी लीवर साहब ने भी, मेरे गुरु जिन्होंने बाइट दी, उनको बहुत पसंद आया ये. जितने भी स्टार हैं वो अपने अपने कोशिश करेंगे. मैं ये ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इस गाने का जल्द से जल्द सिक्वल जो है वो बने, गाने का सिक्वल बने, और इससे बहुत बड़ी टीम लेकर आप काम करें. ये ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं आपके लिए. जय महाकाल. अच्छा बेटा, ये भी काम करवाता है कि यहाँ आए तो मौके का फायदा उठा सके. I dubbed for Paresh Rawal actually. I dubbed 2 films for Paresh Rawal के लिए मैंने voice दिए फिल्मों में. So one of my favorite Paresh Rawal का ये. If you feel that के Paresh Rawal आपके सामने हैं, तो जरूर तालियां चाहूँगा. जय महाकाल. कितना अच्छा लगता. बहुत बढ़िया तमन्ना बेटा, ये एल्बम निकाल के तूने बहुत अच्छा किया है. सबको खुश हो रहा है. मैं तो चाहता हूँ जो जय महाकाल है ये बहुत तरक्की करे, इसके बहुत सारे व्यूअर्स हो और सबको लाइक करे. थैंक यू. बहुत प्यार, नमस्कार, ओम नमः शिवाय. और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपकी पूरी टीम को कि इतना बेहतरीन एल्बम जो मैंने देखा है यहाँ पर, प्रोडक्शन वैल्यू से लेकर सिंगर डांसर और एवरीथिंग इतना बढ़िया था. मैं चाहूंगा पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हम लोग दिला देंगे.
और वाकई में इतना बेहतरीन म्यूजिक है, हम लोग वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे, हम लोग भी थिरक रहे थे वहाँ पर। सो मैं डी महेश जो निखिल के डैडी है, हम लोग सभी दोस्त है, और निखिल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि और कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि इतना बेहतरीन उन्होंने यहाँ पर सारी प्रोडक्शन संभाला है। तो जाते जाते जैसे कि इन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत झलक होनी चाहिए, तो मैं एक डोनाल्ड डक कार्टून, आप सभी को पता है कार्टून डोनाल्ड डक मिकी माउस जो आता है, तो डोनाल्ड डक की जो डबिंग है मैंने कई साल डबिंग की थी डोनाल्ड डक की। तो अगर कार्टून डोनाल्ड डक ये कहेगा जय महाकाल रे ऑल दी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, किस तरह बोलेगा? एक बार यहाँ पर तो इतना बेहतरीन म्यूजिक था ही, लेकिन एक म्यूजिक मैं अपने गले से पेश करता हूँ, लेकिन ये म्यूजिक जंगल में म्यूजिक चल रही है और मेंढक और बंदर ये मिलकर डीजे बजा रहे हैं, किस तरह जंगल में डीजे म्यूजिक। एक कपिल के अजूबे एक नया शो आ रहा है, तो उसमें मैंने वॉइस की है फॉर्मूला 1 कार रेस की आवाज, तो ये जरूर आप सुनेंगे, शायद दिसंबर या जनवरी में शो आएगा, तो शूटिंग हो चुकी है। तो उसमें मैंने कार की आवाज निकाली है फॉर्मूला 1 कार रेस की, तो उसमें इंग्लिश अनाउंसमेंट किस तरह होती है, दो कार साइमल्टेनियसली किस तरह चलती है, कार ओवरटेक किस तरह करती है और एक कार रुकती किस तरह है फॉर्मूला 1 कार रेस। Ready to practice Formula 1 car race on Lane Bird with Sebastian. चित्रपट क्या बात है
मराठी चित्रपट आगामी नाव सासूबाई जोरात आणि त्यात सह्याद्री शिंदे साहेबांनी अभिनय केलं होतं आणि पोस्ट प्रोडक्शन जेव्हा डबिंग होतं तेव्हा त्यांच्या तारखा थोडा ऍडजस्ट होत नव्हत्या कारण ते अंतिमच्या शूटसाठी गेले होते मला वाटतं नॉर्थला ती शूट झाली आणि तो फिल्म माझ्याकडे आले ऍज अ डबिंग 35 कलाकारांनंतर ऑडिशन मी दिलं होतं ते माझा आवाज तिकडे सूट झाला आणि सिलेक्ट झाला सयाजी शिंदेंची मी लिड करत आहे एक मी ऍक्ट केलाय शांताबाईला प्रपोज करायला जातात सर्व सिने कलाकार सयाजी शिंदे साहेब गेले असते ऍक्टर मिलन आणि साऊंडमध्ये तब्बल 6 भाषांमध्ये त्यांनी अभिनय केलाय सयाजी शिंदे त्यांची स्टाईल अग्रेसिव्हनेस असतो त्यांच्या आवाजामध्ये त्या स्टाईल मध्ये सयाजी शिंदे रोपाचे खाना नजरे जमाना रोपाचे खाना नजरे जमाना तिरंगा माना मारती चक्र तुझा गाना खरा इकडून तिकडून मारती चक्र और जबकि इज्जत करता इसलिए चुप चुप बोल रहा हूं मैं तो बात हरा नहीं दे भाई हरा मतलब एक नंबर का न देगा तुम्हें वो लोग क्या बोलते हैं बचपन में तू और मैं कबड्डी खेलते थे कबड्डी 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 खेलते खेलते कब बड़ी हो गए पता भी नहीं चला नौकर मोहन नौकर मोहन बोला हैदराबाद में शूटिंग में जाता नक्की साबुन नहीं बोलिस तो कहा था जो करते था गारंटी के साथ थैंक यू सो मच शांताबाईला प्रपोज करायला गेले पहिले हसतात नंतर प्रपोज करतात नाना पाटेकर नजरेचा दाना तिरंगा माना मारुती चक्र तुझा गाना खरा इकडून तुझा गाना खरा इकडून तिकडून मारुती चक्र तुझा गाना खरा इकडून तिकडून मारुती चक्र हे सगळं नाही शांताबाई आली काय बघू नये भगवान का दिया सब कुछ है दौलत है शौर्य है इज्जत है इज्जत में तो बोलते इज्जत में एवढा घाबरा होता शांताबाईला अण्णा हा नक्की एवढा घाबरा होता शांताबाई नाही बोलते नाही बोलणार नाना बोलत अच्छा नाही बोलीस काही हरकत नाही नाही बोलीस काही हरकत नाही गलती तेरी नाही गलती मेरे घरवाले भी है उन्होंने नाम ही मेरा नाम रख दिया है माधुरी भी नाना बोल के निकल गई मेरी सभी नाना बोल के निकल गई अब्दुल किशन एक पास घर में फिट कर रख लिया अरे खटक के लिए शांताबाई कल की पहला पसंद आपने एक आइटम कलम वाली भाई कलम वाली भाई अन्ना सॉरी मध्यंतरी पॉकीमॉन गो नावाचा गेम आला होता आपल्याला माहिती आहे तो खेळता खेळता मुलं बिघडत होती कुठेतरी हरवत होती इंडियामध्ये तो बॅन करण्यात आला आणि बऱ्याच न्यूज चॅनलने मुलाखत घेतली सर्व सर्व राजकीय नेत्यांची त्यात अण्णा हजारे साहेबांना विचारलं पॉकीमॉन गेम बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे अण्णा हजारे साहेब बोलो भारत माता वंदे मातृ जिंदाबाद मैं स्वदेशी का पुरस्कार करतो यह पॉकीमॉन गो नाम का जो गेम आया है वो जापान से आया है और मेरे को लगता है पूरा युवा पीढ़ी का सत्यानाश करने के लिए आया है अब तुमको ढूंढने का है तो पॉकीमॉन को मत ढूंढो देश के बड़े पॉकेट मार लोग हैं उनको ढूंढो जो पैसा लेके आए उधर का बाहर चले गए हैं उससे देश को आफत है लोग बोलते थे लोकपाल बिल आए ना लोकपाल बिल आए नहीं चाइनीज बिल आ गया इधर से क्या रहा मेरे को मालूम नहीं मैं 6 साल में एक बार उठता है बोलता अन्ना जिंदा है मैं गया नहीं मैं जिंदा है बोला बारा माता के फैन बगा काय असतात ज्यांना फैन फॉलोइंग असते निष्ठावंत कार्यकर्ते असतात एक कार्यकर्ता त्यांचा असा की 24 तास त्यांचं भाषण बघायचं एवढं भाषण बघून त्यांचा आवाज त्याच्या सारखा झाला इलेक्शनच्या दिवशी ड्राय डे असतो ड्राय डे असल्यामुळे दारूची दुकानं वाईन शॉप्स बंद असतात आणि संध्याकाळी 5 नंतर ते चालू होतं पण बायकोने त्याच्या ताकीद दिलेली की तुम्ही ड्रिंक करून येऊ नका ड्रिंक करून आलात तर घरी घेणार नाही तरी तो माणूस तो फॅन फडणवीस साहेबांना ड्रिंक करून घरी आला दरवाजा ठोटा होता बायको दरवाजा उघडत नव्हती अध्यक्ष मोदी घरचे अध्यक्ष मोदी दरवाजे अध्यक्ष मोदी बायकोने दारू पिऊन हो अध्यक्ष मोदी मी कधी घाबरत नाही मी आलो तर फेरफरक पडतो दरवाजा ठोटवतो ठीक आहे तुम्हाला बोललेलं दारू पिणाला तर तुम्हाला घरात घेणार नाही मला घरात घेणार नाही तर घरचा विकास आणि प्रगती कशी होईल
बायको विचार बायको विचार बायको बोलली मी घरच्या विकासासाठी शेजारच्या रावतांशी युती करेल युवा पिढीने लक्ष द्यायचं शेतीविषयी गोष्टीकडे लक्ष देऊ शेतीचं औद्योगिकरण कसं करता येईल 1975 साली जी हरीज क्रांती झाली होती ती पुन्हा कशी भरता करता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं तर मला वाटतं पॉकेमॉनच्या नादाला लागत लागत पाठलाग करत करत मी धरणावर कधी गेलो माझ्या मला कळलं थँक्यू सो मच थँक्स आज कळलं help me in the success you all are equally responsible as I am for this project and I would love to see you all when all my dreams come true again so thank you all namaskar thanks for coming tumhi sagle ithe aalat khup bara vatla आणि माझ्या सगळ्याच मित्रमैत्रिणींना खूप मी एकच रिक्वेस्ट करेन की एक छान साहिलने एक छान नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत आणला तो नक्कीच सर जाना चाहूंगा जय महाकाल रेखा आज लॉन्च हुआ है साहिल इसके एक्टर लीडिंग और तमन्ना जी प्रोड्यूस का क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में जब ये एल्बम बन रहा था तो मेरे घर में ही ज़्यादा सेटिंग होती थी इसकी क्योंकि मेरा बेटा ही प्रोडक्शन में है और जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुने तो मतलब ये गाना हिट है गाया आदर्श शिंदे ने बहुत ही प्यारा गाना बनाया म्यूज़िक डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर है तमन्ना और इस गाने को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है बहुत ही प्यार से सागर ने बहुत अच्छी एक्टिंग लगता नहीं कि वो डेब्यू एक्टर हैं और इतने फिनिश किया उसने रोल को बहुत प्यार से रखा है अपने आप को और जो भी हैं अश्मित ने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है और एज वेल एक्टिंग भी अच्छी की है और मेरे ख्याल से गाना रिलीज़ होने से पहले ही सोशल मीडिया पे धमाका कर रहा था रिंगटोन्स मैंने लोगों के मोबाइल पे सुनी और फेसबुक के ज़रिए भी लोग सुन रहे हैं उसको यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे आगे इंस्टा पे देख रहे हैं सोशल मीडिया के साथ साथ मैं ये गाना हर चैनल पे देखना चाहता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करते हैं ये गाना जितना आज हम लॉन्च पे देख रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी वो कहीं बढ़कर जब वो टीवी पे आएगा तो हर घर में हिंदुस्तान के जो जो शिवजी के भक्त हैं उनके हर दिल में ये गाना बजता रहेगा घर में बजता रहेगा ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर बड़ा सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी टीम को और जहाँ पे भोलेनाथ का नाम आता है शिव जी का नाम आता है अगर आप गौर करें तो शिव जी के जितने भी एल्बम ऐसे बने जहाँ पे तड़कते भड़कते गीत हो तो वो सारे लगभग हिट है तो मेरे ख्याल से ये भी हिट ही है और ये आप लोगों के हाथ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें क्योंकि भोलेनाथ के हम सभी भक्त हैं और जहाँ पे भोले का नाम आता है तो बट ऑब्वियस है कि ये गाना हिट होने वाला ही है और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं प्रोडक्शन का नाम ही त्रिशूल इन सिने विजन है त्रिशूल और शिवजी उनका जो नाता है वही ये नाता इस सॉन्ग के ज़रिए लोगों तक पहुँचे और जैसे मेरे बड़े भाई राहुल जी ने कहा कि शिवजी के भक्त हैं और अभी देखिए थोड़ा सा पैंडमिक से हम लोग गुजरे हैं और ईश्वर की कृपा रही है हम लोग दो पैंडमिक की लहरों के बाद भी आज जिंदा हैं और उसकी दुआ है बस उसको याद करते हुए ये गाना बजाए अपने घर में ऑफिस में जिधर हम लोग काम करते हैं और ये पूरा एटमॉस्फेयर बदलने वाला ये गीत है और मुझे लगता है ये जैसे धुन धुन होती है वो गीत को कामयाब करती है सक्सेस करती है इसकी हैमरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं एक बार किसी ने सुन लिया तो वो धुन अपने जहन में दिमाग में बैठ जाती है और ऐसे ही करते करते ये गाना हिट हो सुपर हिट हो और त्रिशूल की तरह तीनों काल ये अमर रहे और सालों साल चलते रहे बस यही शुभकामनाएं करते हुए मैं
बस उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू सो मच।